मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे है जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे है जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे है जैसे हो ईद में होली देखो मेरे घर की हालत क्या हो गई है। एक रिश्ता निभाने के लिए मैंने सबको मोबाइल खरीद के दिया, पर घर में कोई भी लोग आने से मान सम्मान नहीं और किसी की आदर नहीं है। अब क्या करेंगे इसके लिए? हम रिश्ता जयंती की तैयारी में हम सब बड़ी धूमधाम से आध्यात्मिक तैयारी से कैरल सिंगिंग से एक प्रभु मसीह का जन्म चरणी में नहीं बल्कि हृदय में होने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पर मेरा एक सवाल है कि क्या सचमुच हम हमारे मन की तैयारी कर रहे हैं? केवल कपड़े खरीदने से, घर की पोछाई करने से या बड़े बड़े कार्यक्रम करने से ही रिश्ता जयंती नहीं होती। उसके कारण प्रभु मसीह हमारे हृदय में नहीं आ सकते। उसके लिए हम स्वयं को घर की तैयारियां, घर में प्रार्थना, कैरल सिंगिंग, ये सब मिलजुल के समाज के साथ और परिवार के साथ किए तो शायद हम प्रभु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार सकते हैं। उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस में पड़ोस में हमारे संबंध, हमारे व्यवहार, हमारा शेजारी प्रेम, ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस समय क्रिस्त जयंती के शुभ अवसर पर हम बालक यीशु को हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे गाँव में और हमारे पूरे देशों में स्वीकार करने के लिए हम तैयार रहे। और दूसरी बात, हम देखते हैं आजकल की इस दुनिया में परिवार में एक पिता जब बाहर से अपने ड्यूटी करके आता है तो बच्चा अपने मोबाइल में पिक्चर देख रहा है, बेटी अपने बेडरूम में जाके मोबाइल में खेल रही है, माँ अपने किचन में। तो क्या दोस्तों, सचमुच हम इस मोबाइल के तकनीक दुनिया में इस समय अगर इस प्रकार अगर व्यस्त रहेंगे तो क्या सही में हम ईश्वर को अपने हृदय में स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। तो आइए, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम सब मिलकर इस मसीह को, इस क्रिस्त जयंती को, मसीह जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए हम सब मिलकर इस छोटी मोटी बातों को त्याग करते हुए हम परिवार में प्रार्थना एवं कुछ नए नियमों को लेकर हम बालक यीशु को हमारे हृदयों में स्वीकार करें, यही मेरी शुभकामनाएं है। सुनो जना बच्चे, चल इधर आ जाओ, सब जन काम करो, सब जन आपका अपना अपना मोबाइल इस टोकरे में डाल दो, से हमारे रिश्ते के लिए, हमारे भलाई के लिए हम हमारे घर के नियमों में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। मुद्दा पहला एक है कि जैसे बड़े लोग, जैसे माँ या बाप बाहर से आते हैं तो उन्हें मान सम्मान करना है। और दूसरी बात, जब आप लोग हमेशा टीवी की ओर देखते हैं तो जब प्रार्थना का समय हो जाता है तो सब मिलके प्रार्थना में इकट्ठे आना और प्रार्थना करना, सभी माँ बाप और हम बच्चे। और उस प्रार्थना के समय में कोई भी अपना मोबाइल शुरू नहीं करेगा। और उसी के बाद अपने को आदत है कि खाना खाते समय भी हम मोबाइल ऑन करते हैं और वहाँ पे कुछ व्हाट्सएप चैटिंग वाटिंग करते रहते हैं, है ना, तो वो भी नहीं करेंगे आज से। तो खाना खाते समय हम प्यार से, बड़ी प्रेम से
हम सब मिलकर खाना खाएंगे, और साथ ही साथ जब हम सोने जाते हैं, हम 9:30 बजे जब सोते हैं, तो उस सोते समय सभी के कमरे में से अपना अपना मोबाइल लाकर इस बास्केट में डाल देने का।